हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पावर पोजीशन हर किसी को आज के युग में चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोग युग परिवर्तन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या दोनों चीज़ें एक साथ होनी मुमकिन है? क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए मेरे वीडियो में। युग परिवर्तन का समय चल रहा है, हर कोई इस बात को जान भी रहा है और समझ रहा है, लेकिन युग परिवर्तन के इस समय में हम लोग अपने आप को परिवर्तित करने के लिए कितना तैयार हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हम लोग रियल में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या हम लोग कुछ और ही चाहते हैं? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आज जो हमारे देश में हालात हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार में आज मानव जाति की हालत जो है, हर जगह मुझे लग रहा है एक युद्ध का समय चल रहा है। युद्ध के बादल रशिया और यूक्रेन में चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका और चाइना भी कूद पड़ा है। यानी ये लोग अपने आप को सुपर पावर देखना भी चाहते हैं और दूसरों से मनवाना भी चाहते हैं। उससे नीचे जैसे इन्हें लगता है इन्हें रहना ही नहीं चाहिए, यानी युगों युगों तक चाहे कुछ भी हो जाए, पावर और पोजीशन इनके हाथ से जानी ही नहीं चाहिए। तो भला ऐसे समय में जहाँ पर हर कोई इगोइस्टिक है और हर कोई अहंकार में डूबा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, युग परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन की बेला कितने लोगों को किस हद तक चेंज कर पाएगी? और हर कोई प्रे कर रहा है जल्द से जल्द धार्मिक ग्रंथों में जिनके बारे में वर्णन है, यानी कल की अवतार के बारे में, वो आए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन दें और युग परिवर्तन के काम को अपनी मंजिल तक लेकर जाएं। आसान नहीं है युग परिवर्तन का ये काम, कल की अवतार के द्वारा भी किया जाना। वो सर्वशक्तिमान है, चाहे तो एक सेकंड में पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मैंने कहा है आपको पहले भी कि इस धरती पर आते ही समय के पहिया जिस तरह से घूमता है, समय का चक्र, समय की आंधी हर किसी को अपने आगोश में ले लेता है। कल की अवतार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो युग परिवर्तन के समय जहां सभी को यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन तभी हो पाएगा जब सबकी विचारधारा बदलेगी। कुछ एक लोगों की विचारधारा बदलने से, उनकी थिंकिंग में चेंजेस आने से इस यूनिवर्स पर युग परिवर्तन का असर नहीं देखने को मिलेगा। युग परिवर्तन यानी पूरी तरह से बदलाव को स्वीकार करना, हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन हर क्षेत्र में बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना ही युग परिवर्तन कहलाता है। अगर मान लें तो अच्छी बात है, खुशी खुशी युग परिवर्तन के समय को महसूस कर पाएंगे। यदि ना माने खुशी खुशी तो दुखी होकर इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज जो देश में और पूरे संसार में युद्ध का समय चल रहा है, इस समय, इस विषैले समय में आज कम से कम हम भारतीयों को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया पूरी तरह, मतलब उसको खत्म हुए कुछ ही महीने बीते, या महीना भी शायद नहीं बीता है मुझे लगता है। हिजाब का अलग से मैटर स्टार्ट हो गया, वही लेकर चल रहा है, अब उसको लेकर आंदोलन चलेगा। उधर दूसरी तरफ युद्ध के बादल अलग मंडरा रहे हैं, कब किस समय युद्ध शुरू हो जाए कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल डिसाइडेड है कि युद्ध तो होना ही है और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। सवाल ये है इस समय कौन किसको समझाए, क्योंकि समझदारी से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो कम से कम
हम इंडियंस, हम भारतीय तो इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आपस में यूनाइटेड होकर चलें, समझें युग परिवर्तन की इस बेला को और युग परिवर्तन के महत्व को समझते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रही है उसको एक्सेप्ट करें, तो ही हम कल की अवतार को भी इस युग परिवर्तन के समय हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि अकेले कल की अवतार भी नहीं है जिम्मेदार सिर्फ युग परिवर्तन के लिए, उनके साथ जुड़ेंगे वो भक्तगण जो कि आज भी शांति चाहते हैं इस धरा पर कायम करना और जिन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। कई ऐसे भक्तगण हैं जो शांति चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, जो आज भी लोगों को समझाते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि किसी भी र्यूमर की ओर ध्यान नहीं देकर अपनी आंखें, ज्ञान की आंखें खुली रखिए, यूनाइटेड बनिए, बी इंडियन, इंडियन होने पर प्राउड कीजिए, स्वाभिमान रखिए, अपने देश की रक्षा कीजिए। और इस समय यूनिटी दिखाने का है, इस युद्ध की बेला में आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर सबको आगे बढ़ना है, तभी हमारे देश में, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह शांति प्रिय वातावरण छाएगा और युग परिवर्तन की बेला में हर कोई जुड़ पाएगा उस अवतार के साथ जिस अवतार का इस धरती पर जन्म हुआ है एक खास मकसद को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।